Okay, good morning to one and all. Today we have to start with the new topic of the unit number 3. That is nothing but the molecular spectroscopy. In that, we have to talk about the two types of the basically molecular spectroscopies. One is the molecular fluorescence spectrophotometry and molecular phosphorescence spectrophotometry. And the name itself indicates that fluorescence and phosphorescence, these two properties collectively called as the luminescent. इसे हम collectively क्या कहते हैं? Luminescent. अभी luminescent क्या होता है? कि जब कोई भी body that emits the UV light at temperature below 773 Kelvin, 773 Kelvin, this body is said to be luminescent. Or luminescent is also called as a cold light. इसे cold light कहते हैं. आपको पता है रेडियम वगैरह जो रहते हैं रास्ते पे लगे हुए जो बोर्ड रहते हैं उसके ऊपर लाइट शाइन होती है, बराबर है ना? तो क्या रहता है? दैट इज अ फ्लोरेसेंट लाइट और से ल्यूमिनेसेंट मटेरियल इज यूज इन दैट एंड दैट्स व्हाई कोल्ड लाइट आप देखते कि आंखों को उससे कुछ तकलीफ होती नहीं, बराबर है? Then see two types of that I said, the luminescent properties, fluorescence and phosphorescence. When the atom or molecule absorbs the radiation, undergo the electronic transition from low electronic energy level to the high electronic energy level, it requires 10 raised to minus 15 seconds. The energy absorbed is re-emitted within the short time, about 10 raised to minus 8 seconds is called as a fluorescence. ये क्या फ्लोरेसेंस मतलब क्या? वेरी क्विक. आपने देखा होगा कि गाड़ी की हेडलाइट जो रहती है असल में वो लाइट फ्लैश आउट होता है, मतलब वहां पे उस रेडियम मटेरियल पे जाता है तो ही ग्लो आता है, दूसरी लाइट वहां पे इमिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट मटेरियल. आपको पता है कोई शाइनिंग के लिए कोई चीजों में डाला जाता है, दैट इज ऑल्सो द फ्लोरेसेंट मटेरियल. फॉस्फोरेसेंस क्या है? वॉट एवर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज डिलेड टू रीमिट is called as phosphorescent. It took the more time, 10 raised to minus 4 second as compared to the fluorescent material. Okay, theory of molecular, aap dhyan mein rakhna, jab minus sign rehta aur yahan pe power jitni zyada rehti utni uski value kam rehti, minus sign rehne ke baad ye value jitni कम उतना टाइम ज्यादा है. हाँ, ये ध्यान में रखना है. थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और यू कैन कॉल इट एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो. Okay, a molecule has number of energy levels when it absorbs. आपको पता रहेगा last time sir ने I think so बताया होगा energy level diagram. ये energy level diagram पता है, इसको Jablonski की diagram कहते हैं. कि यहाँ पे अभी last time भी हमने देखा था ये vibrational energy levels है ऐसे में. ये मतलब एक bunch है, बराबर है? That is S zero, then the S one. जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि दैट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इज एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, सेम वे हियर दैट थिंग्स आर देयर. ओके, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना. ओके, जीरो से वन पे. अभी यहाँ पे जो ट्रांजिशन होने वाले हैं, एक एब्जॉर्बेंस होगा, बराबर है? बाद में वहां पे एक डीएक्टिवेशन भी होता है, समझा? डीएक्टिवेशन मतलब क्या? कि वो जो रेज है वो इमिट नहीं होते वापस से. में यहाँ पे डॉटेड लाइन बताया है. ओके, अब ये आपने देखा फॉस्फोफ्लोरेसेंस मतलब क्विक आ गया, में क्विक उसने लाइट दिया, क्विक उसने एक अनदर सॉर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन इमिटेड. ओके, मगर दूसरा जो फॉस्फोरेसेंस है, आप देखा होंगे कि वो यहां से हायर एनर्जी लेवल गया, फिर वहां से उसने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्रॉस हो गया, उसे कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. और फिर वो इसलिए डिले हो गया, और डिले होने के बाद में उसने क्या दिया कि आपको फॉस्फोरेसेंस. यहाँ पे ये सिंगलेट है सब, एस मतलब सिंगलेट और टी मतलब ट्रिपलेट. आयन में वो ट्रांजिशन इंटरक्रॉस सिस्टम होने के बाद में वो डिले होता है एंड इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरेसेंस, दैट वी विल सी इन डिटेल, नो प्रॉब्लम.
See, in of energy level, when it absorbs the UV or visible radiation, electronic transition takes place from lower energy level to higher energy level. For most of the molecules, the elements are paired in the ground state. Such a state is called as the singlet state. Okay. For the n unpaired electrons, there are n plus one state of the equal energy states. उसे डीजेनरेसी कहते हैं. मतलब क्या, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक प्लस एक दो, उसके लिए क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दैट इज अ डीजेनरेसी. जैसे कि इफ एन इज इक्वल टू जीरो, एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, दैट इज अ सिंगल स्टेट. इफ एन इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है, एक है, तो कितने आएंगे, डबल स्टेट आएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू है तो उसका ट्रिपल स्टेट आएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्री है तो एक क्वार्टेट स्टेट आएंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर है तो उसके क्विंटेट स्टेट आएंगे. In the GS molecule, in the ground state, molecule has several vibrational energy levels. When the molecule absorbs UV or visible radiation, electron is raised to first excited state. In this excited state, molecule can be in any one of the several vibrational energy level. In the first excited singlet state, three phenomenon can occur depending upon the molecule involved and the condition. Collisional reactivation, then fluorescence and the फॉस्फोरेसेंस. दैट जो कि डायग्राम में दिखाया आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम में. अभी जैसे मैंने पहले सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम ही बताया आपको, जो प्रिंसिपल उसका है वो एनर्जी लेवल डायग्राम में पूरा बताया है. ओके, कोलिजनल डीएक्टिवेशन मतलब कि मॉलिक्यूल लूज देयर वाइब्रेशन एनर्जी बाय इंटरमोलिकुलर कोलिजन एंड फॉल टू द लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन. दिस इज कॉल्ड एज कोलिजनल डीएक्टिवेशन. फ्लोरेसेंस इन द लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. In the lowest vibration level, there is a high probability that the electron returning to the ground state may emit a photon of light. This process is known as the fluorescence. The time interval between the absorption and the re-emission of the light of the longer wavelength is of the order 10 to minus 8 to 10 to minus 9 seconds. Since the fluorescence can described as instantaneous emission of absorbed light. Ye dhyan mein rakhna, MCQ ke liye aata hai. Aur phosphorescence, when the electron is excited have less chances of emission of the emitting light and falling to the ground state. In such a case, the emission of photon takes place in 10 to minus 4 second to several seconds after the absorption of light. This emission continues for some time after the absorption of light. मतलब लाइट कट करने के बाद भी. दिस डिले रीएमिशन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस. द लाइफ टाइम ऑफ द फॉस्फोरेसेंस इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द फ्लोरेसेंस बिकॉज डीके फ्रॉम द ट्रिपलेट टू ग्राउंड स्टेट सिंगलेट इज फॉरबिडन बाय द स्पिन सिमेट्री एंड हेंस इट इज अ स्लो प्रोसेस. ओके, रिलेशन बिटवीन दिस थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट. बहुत सिंपल है ये चीजें. इसके जो डायग्राम है दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. यू कैन प्रैक्टिस फॉर द डायग्राम इफ द सब्जेक्ट टू एग्जाम इज देयर. ओके, यही लेसन ये हमारा लास्ट लेसन रहने वाला है इस यूनिट का. थर्ड नेपलोमेट्री टर्बिडोमेट्री है. वी विल नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ सच अ पर्टिकुलर टेक्निक्स. ये इतना ही काफी है आपके लिए. इसके ऊपर सारा होगा. एमसीक्यूज रहेंगे तो वी विल प्रिपेयर द एमसीक्यूज ऑन दैट नेपलोमेट्री एंड दैट टर्बिडोमेट्री. ओके, प्रिंसिपल अच्छे से करना है क्योंकि इट्स सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में दैट प्रिंसिपल इज कमिंग. ओके, वी विल स्टॉप हियर. वी विल मीट शार्प एट द 11 AM.